लाइट है तो क्या बोलते हैं? नहीं, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट कौन सी लाइट है सर? ये जो लाइट है ये सॉफ्ट लाइट है। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट क्यों है? क्योंकि ये बहुत आराम से हमारे फेस पर आ रही है। अगर हार्ड होते तो बहुत तेज हम लोग देख भी नहीं पाते ना। सॉफ्ट लाइट एकदम ज्यादा गर्मी भी नहीं होने, एकदम सिंपल है, हम लोग शूट कर रहे हैं कूल लाइट एकदम, ठीक है। तो याद रखिए, आप जब भी क्रोमा पे शूट कर रहे हैं तो आपके पीछे शेडो नहीं आनी चाहिए। अब आप शूट कर रहे हो, बैठ के शूट कर रहे हो, तो आप जब क्रोमा पे शूट कर रहे हो तो बॉडी मूवमेंट भी नहीं करना है ना। कभी आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, ना आप जहां पे हो आप यहां से यहां तक आ सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप चेयर से घुमा घूम रहे हो ऐसे, ना बहुत सोच रहे पीछे जा रहे हो आगे आ रहे हो, क्योंकि लाइट आपके अकॉर्डिंग डिसाइड है कि भाई यहाँ यहाँ लाइट है, हमें यहाँ शूट करना है। शेडो आएगी तो एडिटिंग में दिक्कत आएगी। आपने देखा बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, अपनी एडिटिंग होती है, उनके साइड से ग्रीन ग्रीन दिखता रहता है। हाँ। देखा ना, पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता रहता है। क्यों दिखता है? क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं होती है, ठीक है, प्रॉपर उन्होंने एडिटिंग नहीं की होती है। कहीं कहीं शेडो आ जाते तो उनको ऐसे ही डालना पड़ता है, वो इसी रीजन से आता है। लेकिन आप लोग परफेक्ट कर रहे हैं, आपको परफेक्ट चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें ये चीज ध्यान देनी होगी। और जब भी आपका शूट खत्म होता है, जैसे आपका आपने टेक लिया, ये कुछ डायलॉग भूल गए, तो आपको थोड़ा नैपकिन से ही पसीने पोंछ लेना है, क्योंकि अगर ये दिखेगा तो फिर कैमरे में खराब हो जाएगा। अभी चलो हम लोग थोड़ा कवर कर लेंगे, जब आप अपने मोबाइल में देखोगे तो प्रॉपर दिखाई देगा। तो जब भी आप कैमरे सामने शूटिंग कर रहे हैं, आप ऑडिशन दे रहे हैं, तिवारी जी आपके सामने, तिवारी जी ना वहां पे है ना यहाँ पे है, तिवारी जी कौन है? कैमरा। तो आपको कैमरे से देख के सारी बातें बोलनी है और कहीं किसी को नहीं देखना है, ठीक है। और जब भी आप शूट कर रहे हैं तो याद रखिए माइक यहाँ पे लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको हाथ नहीं लगाना है। आप हाथ लगाओगे तो उसमें होता नहीं हरकत की आवाज आती है ना, तो वो आवाज आएगी, आपका पूरा ऑडिशन खराब हो जाएगा। सर दो माइक क्यों? दो माइक इसलिए लगा रखे हैं, जब हम आप कोई भी जब एडिटिंग करते हैं तो दो वॉइस होती है, जब आप एडिटिंग सिस्टम में एडिटिंग करते हैं तो वहां पे दो होती है वॉल्यूम, जो वॉइस का होता है वॉल्यूम दो होती है, इसलिए दो माइक होते हैं। करने को हम एक माइक लगाकर शूटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक पे भी होती है, लेकिन दो से क्या है कि हमें आउटपुट अच्छा मिल जाता है, इसलिए हमने दो लगाए। आपने देखा शूटिंग पे एक भी लगाते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे आपने आप लोग गए थे शॉर्ट फिल्म में देखा ना, यहाँ पे भी माइक लगा हुआ था और एक बूम माइक भी था, ऐसा माइक लेके खड़ा था, देखा था ना, तो दो बैकअप ले रहा था, चलो इसमें रिकॉर्डिंग हुई तो दूसरे में अच्छी आउटपुट मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए वो लोग दो जगह शूट करते हैं, ठीक है। चलो ये भी ले लिया हमने, ऊपर भी अगर यहाँ पे मतलब हाथ लगा लिया कुछ कर दिया तो हमारे पास बूम माइक है, हम बूम माइक पे निकालेंगे, हमें आवाज से मतलब है, ठीक है। और कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं जो जिनका बजट कम होता है, कम आप लोग घर पे शूट कर रहे हो, आपका इतना बजट नहीं है कि आप माइक ले पाओ, तो बहुत से लोग जेब में आईफोन डाल लेते हैं या मोबाइल डाल लेते हैं, उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब एडिटिंग करनी होती है वीडियो को अलग एडिट करते हैं और वो साउंड वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आप घर पे कर सकते हो, कभी आपको करना पड़ा ऐसा, दूसरा आपको शूट करना पड़ा तो आप एक ग्रीन स्क्रीन का लिया घर पे और लाइट प्रॉपर लगाई, याद रखा शेडो नहीं आ रही है, आप कुछ से भी कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। लेकिन जब जब जाएंगे शूटिंग पे तो वहां बड़ा सेटअप होता है, बड़ा क्रोमा होता है, इसको क्रोमा भी बोलते हैं, ग्रीन स्क्रीन भी बोलते हैं। आपने कभी क्या सोचा है कि ये ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट क्यों होता है? कलर है ना, मैच नहीं होता है, एक ही कलर होता है और एडिटिंग में फायदा होता है, आपने ग्रीन देखा होगा और ब्लू कलर देखा होगा, हमेशा शूटिंग में ये दो कलर क्यों यूज होते हैं? आपने कभी सोचा? कलर तो और भी है, ये कलर भी है, ये भी कलर लगा लो, मतलब इजी क्या, ये कलर डिफिकल्ट है, व्हाइट डिफिकल्ट है, ब्लैक डिफिकल्ट है, अगर इजी तो क्यों, कुछ तो रीजन होगा, नहीं होता है ना, ब्लैक है, व्हाइट भी है, सब कुछ है, जब हम एडिट करते हैं तो हम इसको गायब करते हैं, अगर हम ग्रीन कलर गायब करेंगे तो पूरा ग्रीन गायब होगा, हमारे बॉडी में कुछ ग्रीन है ही नहीं, कुछ गायब ही नहीं होगा। अगर हम व्हाइट रखते हैं तुम्हारी आंखों के अंदर वाला सब गायब हो जाएगा, दांत गायब हो जाएंगे हमारे, ना समझे ना, ब्लैक रखते हैं तो भाई बाल गायब हो जाएंगे ना, तो इसलिए ग्रीन और ब्लू पे शूट किया जाता है, क्योंकि ऐसा कलर हमारे बॉडी में नहीं है। और जब भी आप कभी क्रोमा पे शूट करेंगे तो आपको खुद से ध्यान रखना है, कहीं मेरे ड्रेस में कुछ है तो नहीं, अच्छा ग्रीन,
ठीक है, अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन है, ध्यान दिया? इसका हमें यूज नहीं करना है सर, फ्लैग ठीक है, हाँ वही कह रहा हूँ मैं अभी, वही आपको पूछा। और क्या है यहाँ पे ग्रीन, ये फ्लैग हो गया, और क्या ग्रीन है जो हम एडिट करेंगे तो हमारे साथ दिक्कत, ये इसलिए यहाँ पे रखा कि आप समझ पाओ, ये हम तो ध्यान देंगे, डायरेक्शन टीम ध्यान देगी ग्रीन कलर का, लेकिन आपको भी ध्यान देना कि भाई अगर मैं शूट करने बैठा हूँ कहीं मेरी वॉच तो ग्रीन नहीं है, पट्टा ग्रीन तो नहीं है, मेरी टोपी में कहीं ग्रीन कलर तो नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई कलर तो नहीं है, पहले खुद से भी चेक कर लो, क्या पता डायरेक्टर भूल गया हो, उसने ध्यान ना दिया, बट आपने भी ध्यान नहीं दिया तो पूरा शूटिंग आपने दिन भर काम किया, सारे काम खराब, कुछ काम नहीं हो पाएगा, कोई बैकग्राउंड चेंज नहीं हो पाएगा, जैसा था वैसे ही रह पाएगा, ठीक है। तो ये आपको खुद से ध्यान रखना है, ये है बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपको अगर पता होंगे ना तो आप मतलब अच्छे से कर जाओगे सब कुछ, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा आपका, आपको फिर से शूट पे बुलाएंगे, अगर आपने कोई बता दिया नहीं सर अभी शूट मत करिए ये तो ग्रीन है वहां पे ग्रीन लगा हुआ है, तो डायरेक्टर बोलेगा यार टैलेंटेड एक्टर है यार, इसको पता है सब, होगा वो खुद खुश हो जाएगा आपको देख के, बोले लगा यार थैंक यू थैंक यू, तो वो तुरंत हटा देगा वहां से, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है, माइक को टच नहीं करना है, कलर का ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक्टर हो प्रेशर हो आपको ये चीज खुद पता, वो खुद ध्यान देते हैं, लेकिन आप भी ध्यान दीजिएगा इस बात, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन लग रही हो आपको क्रोमा में शूट करने में, अभी तो कम लाइटें हैं, अभी आप शूट पे जाओगे तो क्या पता और भी बड़ा क्रोमा हो, आपने देखा ना बहुत सारे सीरियल, महादेव सीरियल देखा होगा, वो सब ऐसे ग्रीन स्क्रीन शूट होता है, पहाड़ ऐसे भी पकड़ लेते हैं वो लोग, ठीक है, कुछ नहीं होगा, उन्हें फील किया हमने पहाड़ पकड़ कर लेके चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, कुछ नहीं है लेकिन वो चल रहे हैं, और फिर उन्होंने फेंक दिया, ठीक है, ये होता है सारा पूरा रूम है, जैसे अभी ये तो इतना ही ग्रीन है, वो पूरा रूम ही ऐसे होगा, ऐसे होगा, और कैमरा लगा होगा, टीम लगी होगी, तो आप जब शूटिंग में काम करने आएंगे तो पूरा ऐसे पूरा ग्रीन, आप चलोगे भी सब कुछ करोगे तो लगेगा कि आपको सच में आप बादलों में चल रहे हो, कोई बादल नहीं होते, आप यही फील करना पड़ेगा बादल में चल रहे हैं, श्रृंगार कितना खुश रहेंगे आप ना, देखा ना बहुत बहुत से पिक्चर हेवन में जा रहा हूँ, कितना आराम से जाते हैं ना, कितना अच्छा फील करते हैं, म्यूजिक कितना अच्छा चलता है, तो आप जब भी ऐसा कोई सीन कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आप ना ये भी याद रखो यार, अगर मेरा जो रस है जो मेरी एक्टिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है, मतलब बहुत मैं श्रृंगार रस में जा रहा हूँ, तो जो इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा वो भी श्रृंगार रस वाला है ना, तो उसको फील करते करते जाना है, वहां कुछ नहीं बजेगा, वहां कट और एक्शन आपको सुनने में आएगा, कट एक्शन गलती हो गई भाग और तेज भाग, लेकिन आपको फील करना है श्रृंगार रस का, अब गुस्से वाला है तो गुस्से वाला है, अगर डर वाला है तो डर वाला है, कोई आपको लेके भाग मारने के लिए आ रहा है तो आप डर के भागोगे ना, धम धूम धमावा आ जाते रहेगा, भागते रहोगे तो चेहरे पर डर होगा, तो पूरा ग्रीन स्क्रीन का ही काम है शूटिंग का। अभी तो आपने जहाँ पे शूट गए थे हम लोग वहां पे देखा, वहां पे इतना काम नहीं था ग्रीन स्क्रीन का, बट वहां पे भी कुछ जो आप शॉर्ट फिल्म आएगी उसमें भी ग्रीन स्क्रीन का काम है, जो न्यूज एंकर का रोल है वो ऐसे ही हुआ है, कोई न्यूज रूम जब देखो ना जितने भी न्यूज चैनल होते हैं सब शूटिंग ऐसे ही होती है, अभी आप लोग का इसके बाद जब होगा तो वो न्यूज एंकर के ऊपर होगा, आप न्यूज रिपोर्टर बनोगे तो उसका हम लोग चेंज करेंगे, तो आप लोग देखोगे अपना वीडियो क्लिप तो आपको लगेगा कि सच में आप मतलब और कोई भी देखेगा तो वो यही समझेगा कि आप न्यूज रिपोर्टर हो सच में, ठीक है। तो अभी पहले हम सीख रहे हैं कैसे करना है हमें चेंज, ठीक है। अब ये देखो अभी कोई भी हम बना रहे हैं, मान लो पुलिस ने मेरा रोल थोड़ा सा ही है तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग लोकेशन नहीं लेते हैं, वहां पे क्रोमा में शूट कर लेते हैं, उनका पैसा भी बच जाता है और काम भी रहता है। अब लोकेशन लेने जाएंगे 40-50 हज़ार रुपये देना पड़ेगा 2 मिनट की सीन का, और ऐसे क्या काम भी हो गया, लेकिन आप बैठे हो तो आपको ये फील करना है आप सच में पुलिस स्टेशन बैठे हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पीछे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। आपको रियल वाले पुलिस फील करना है, यहाँ कुछ कोई नहीं है लेकिन फीलिंग आपकी वैसी रहती है, ठीक है, समझ गए सब लोग। आप लोग खुद ध्यान देना है कौन कौन से यहाँ पे ग्रीन कलर है कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा वन बाय वन सबको करना है, ठीक है। फर्स्ट आप आ जाओ, ठीक है, आप बोलोगे क्या बोलोगे पहले यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे लिखिए आप
सीन वन शॉट टेक वन, गुड। अब ये सीन वन शॉट वन टेक वन का मतलब क्या आप लोगों को पता है? आ जाओ सब लोग जल्दी से, क्या है ये? जब हम इसी को एडिट करेंगे तो एडी बैठा होता है कि सर इनका फर्स्ट टाइम नहीं कर पाई है, सेकंड टाइम इन्होंने अच्छा किया, तो एडी लिख लेगा कि सीन नंबर वन का सेकंड टेक हमको लगाना है, उसको टाइम नहीं देना पड़ेगा। वो खोलेगा यहाँ पे जब कैमरे सामने होगा ना, जो एडिट करेगा वो तुरंत ओपन करेगा, अरे यार तो फर्स्ट टेक है, इसको लगाना नहीं है, वो हटा डिलीट मार देगा उस वीडियो को, तो हाँ टू लिखा ना, हाँ इसको लगाना है, तो वो टू पे तुरंत लगा के एडिट करना चालू कर दे, उसका टाइम बचेगा, क्योंकि आप ही का नहीं, बहुत सारे लोग की शूटिंग होती है, सबका करना पड़ता है ना, अगर सबका चेक करेगा तो उसका 10 दिन तो चेक करने में निकल जाएगा, कौन सा लगाऊं कौन सा ना लगाऊं, ठीक है। इसलिए जो है ये होता है टेक वन टेक टू शॉट का, क्या होता है कि अगर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है तो शॉर्ट वन मतलब क्या क्लोजअप लगा हुआ है इनका, यहाँ तक मिड आ रहा है, अगर ये थोड़ा दूर कर देंगे तो वाइड हो जाएगा, तो वाइड में फिर यहाँ चेंज करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा, शॉर्ट टू है, ठीक है। अगर लेंस भी चेंज किए इन्होंने बीच में, तो आप याद रखिए अगर लेंस भी चेंज कर रहे हैं तो तुरंत शॉर्ट चेंज होगा, क्या पता ये वाइड एंगल ले लें लेंस लगा के, तो अगर लेंस भी चेंज होगा तो शॉर्ट भी चेंज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन करता है? असिस्टेंट डायरेक्टर, जब आप शूटिंग जाएंगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर ये काम करता है प्रॉपर, ठीक है। वो आएगा बोलेगा ना सीन वन शॉट वन टेक वन, करेगा चलेगा। अब ये आप जो आवाज सुनी आप लोगों ने, ये आवाज क्यों करते हैं? अगर भाई दिखाना ही है तो हम दिखा के चले जाएंगे, आवाज क्यों की आपने? आवाज इसलिए होती है जब इसको एडिट करेंगे ना तो वॉइस को मैच करने के लिए, अभी एडिट किया हमने यहाँ पे, ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वॉइस कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? वहां पे हो रही है ना, इसकी इसकी रिकॉर्डिंग अलग होगी, इसकी रिकॉर्डिंग अलग अलग होगी। अभी तो मान लो हमने कैमरे में लगा रखा है, कैमरे और ऑडियो वीडियो साथ में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन शूटिंग पे आपने कहा अलग था ना सिस्टम, लाइव शूटिंग आप लोगों ने देखी होगी, वहां पे एक लोग बैठे थे पूरा माइक लेके सब कुछ लेके, वो अलग से रिकॉर्ड कर रहे थे, देखा था आपने, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया, जब उनको ये आवाज आई होगी तो वो ये वाली आवाज और यहाँ की ये वाली आवाज दोनों को मैच करेंगे, दोनों को साथ में लगाएंगे तब वो प्रॉपर मैच करेगा, नहीं तो क्या होगा कि ये पहले बोल रहे हैं आवाज बाद में आती है, देखा ना बहुत सी फिल्म होता है ना पहले बोले मैच नहीं करते लिप सिंक, तो वहां वो दिक्कत हो जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ठीक किया जाता है वॉइस को मैच करने के लिए सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है क्लियर है? कोई पूछेगा कहीं जाओगे तो पता रहेगा ना, ये किस लिए होता है? क्लैप बोर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोडक्शन का नाम लिखा रहेगा, यहाँ डायरेक्टर का नाम लिखा रहेगा, यहाँ डेट लिखी रहेगी, ठीक है, आपको डेट चेंज करनी होगी, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और हमेशा कैमरे के सामने बोलना होगा। बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत बॉलीवुड में जितने भी एक्टर लॉन्च होते हैं बड़े बेटे के, मतलब जो सुपरस्टार के जो बेटे हैं, वो एज अ एडी काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो सीख पाते हैं टेक्निकल चीज जो आपको यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। चाहे विकी कौशल थे, उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर में किया था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम, ठीक है। वरुण धवन थे, उन्होंने माय नेम इज़ खान में किया था, ठीक है। तो सब ने कहीं ना कहीं एज अ एडी में काम किया है, तब जाके वो आज कर रहे हैं। उन्होंने ये मत सोचो कि सुपरस्टार के बेटे थे तो तुरंत काम मिल गया, उन्होंने 5-6 साल स्ट्रगल किया है, एज ए एडी काम किया, एक्टिंग सीखी, सब कुछ किया, देन जाके वो लॉन्च हुए मार्केट में। क्योंकि उनके पिताजी को बताया भाई अगर हम ऐसे लॉन्च कर देंगे तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा सनी देओल का बेटा आया हुआ था, उसने कुछ मेहनत नहीं की, वो सीधा आया, कल शूटिंग है चलो करने की शूटिंग, वर्कशॉप की, तुरंत शूट चला गया फ्लॉप। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो पूरा अपना टाइम देके सीखा समझा, उसको पता है कि उनको अब उनके पापा जो पैसा लगा रहे हैं फिल्म में 5-10 करोड़ उसका पैसा लग रहा है ना, तो उनको पता है कि अगर मेरे बेटे को अच्छा नहीं आएगा तो सारा पैसा डूब जाएगा, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो कोई चला फिल्म फ्लॉप हो तो उन्होंने पहले अपने बेटे को सब जितने भी स्टार किड्स हैं चाहे रणबीर कपूर हो कोई भी हो सबने काम किया है, सबने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, एक्टिंग सीखी है, उस फिल्म में रहे हैं, देन वो लॉन्च हुए मार्केट में। तो आप लोग को टेक्निकली पता होना चाहिए। अब ये शूट करें तो उनको पता होगा ये क्लैप करने के हटने के बाद, जब भी क्लैप करेंगे क्लैप के बाद 2-3 सेकंड बाद आपको स्टार्ट करना, ये नहीं क्लैप को तुरंत बोल दिया मतलब ये फ्रेम से गया भी नहीं आपने डायलॉग बोलना स्टार्ट कर दिया तो खराब हो गया ना पूरा। तो जैसे ही हटेगा यहाँ से आप गए आपको तुरंत चालू हो जाना, ठीक है 2-3 सेकंड बाद, याद रखिएगा हमेशा भाग लो, ये नहीं बस एक्शन हुआ भाग गए चलो, एक्शन होने के बाद 1-2 सेकंड डूब जाओ, ठीक। तो ये आपको भी ध्यान रखना सब कुछ, रेडी हो?
ठीक है चलो फर्स्ट टेकिंग का लेते हैं अभी देखिए चलो आपको करना है करो आपका देखो पहले आप चेक करो आपका शर्ट को कपड़ा बाहर आ रहा है ये ध्यान देना आपने पूरा आपका खराब हो जाएगा जो लोग शर्ट पहन के हैं पहले फोल्ड कर लो अपनी शर्ट प्रॉपर उसके बाद ठीक है सीन वन शॉट वन टेक टू एक्शन तिवारी जी हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सलमान ने अपने बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ सामने से आकर अपना गुनाह कबूल किया बल्कि उस हथियार मतलब उस चाकू को बरामद भी करवाया जिससे कत्ल हुआ था लेकिन गौर की बात है कि उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं था लगता है वो फिंगरप्रिंट किसी ने मिटा दिया कौन हो सकता है जिस किसी ने भी काम किया है पूरे प्लानिंग के साथ किया है ताकि पकड़ा ना जा सके तिवारी जी ये केस जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं हमें मौका वारदात पर वहाँ जाकर पता लगवाना होगा कि पूरा माजरा क्या है और तभी ये राज खुलेगा चलिए आइए हमारे साथ वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।